राम श्री सत्य साई मीडिया सेंटर के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी फैमिली जब मैं बहुत ही छोटी थी तब से भगवान बाबा के चरणों में डेविटी हैं इन 1980 एटी वन साई बाबा केम टू श्रीनगर जब उनका विजिट था अपने स्टूडेंट्स के साथ श्रीनगर में तो उस दौरान मेरे फादर कर्नल बेरी कर्नल बलबीर सिंह बेरी उधमपुर में थे तो जहाँ वो आ, बाबा विजिट कर रहे थे उनके जो आर्मी कमांडर थे वो जनरल मल्होत्रा थे और उन्होंने मेरे फादर से बोला कि वी वांट टू यूज़ योर मर्सिडीज़ फॉर साईं बाबा कि उनके ड्राइव के लिए पंद्रह दिन वो आ, पूरे श्रीनगर में घूम घूम रहे हैं तो मेरे फादर को उस टाइम साईं बाबा का कुछ आ, विश्वास नहीं था और वो उनको पह, जानते भी नहीं थे पता था कि एक बहुत बड़े महापुरुष हैं जिनको बहुत सारे लोग मानते हैं लेकिन हमारी फैमिली का उनके साथ कोई आ, संबंध नहीं था सिंस माय चाइल्डहुड मैंने नहीं सुना है कि, कि किसी चीज़ के लिए किसी को भी उन्होंने ना करी हो तो इन द सेम स्पिरिट उन्होंने साईं बाबा जी के लिए भी आ, बोला कि ज़रूर मेरी कार गाड़ी आपके लिए हाजिर है लेकिन एक कंडीशन होगी कि मैं ड्राइव करूँगा सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को नहीं लगता मेरे फादर को पता था कि उन्होंने क्या बड़ी बड़ा चीज़ मांगा है यू नो बिकॉज ही वॉज नॉट अ डिविटी और उनको पता नहीं था बाबा की क्या यू uh, नो you know, ग्लोरी है तो उस टाइम उन्होंने मेरा ख्याल अपनी गाड़ी के बारे में ज़्यादा सोचा कि वो कौन ड्राइव करेगा कोई ख़राब ना कर दे सो so, जब वो uh, uh, उन्होंने ऑफर किया तो रिक्वेस्ट वॉज एक्सेप्टेड सो माई फादर एक्चुअली फ्राम जब साईं बाबा जी एयरपोर्ट uh, में पहुँचे थे तो टामैक से लेके टामैक तक मतलब फ्रॉम हिज अराइवल टू श्रीनगर टू हिज़ डिपार्चर फ्रॉम श्रीनगर ही वाज़ विद माय फादर एंड माय फादर वाज़ हिज यू नो शोफर और प्यार से बाबा उनको मेरे लैंड पायलट बुलाते थे सो आई मीन ही रियली रियलीजली ब्लेस्ड और इतना टाइम उनके साथ स्पेंड करके बाबा इस बाबा यू you नो know, उनके पास जिसने भी स्पेंड किया होगा टाइम वो समझ सकते हैं कि बाबा अगर वो चाहते हैं कि आपको अपने मेरिकल्स अपनी डिविनिटी दिखाएं तो आप उनको यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट ह्यूज पावर दैट ही हैज़ बाबा श्रीनगर आ रहे थे द आर्मी कमांडर हैड इनवाइटेड हिम टू श्रीनगर आके उनके स्टूडेंट्स के साथ एक हॉलीडे के लिए तो मैं uh, uh, उन्होंने मेरे पिताजी मैं आज माय फादर कि अगर आप आ सकते हो और मदद कर सक सो so, पापा से देख हम जा रहे हैं कश्मीर उधर से वापस हम मैं अकेले आऊँगा उधमपुर तो हम सब चलते हैं उधर एक अच्छी छुट्टी हो जाएगी तो हमने कहा वेरी गुड अच्छा ए गुड, गुड, गुड हॉलीडे मैं दस साल का होऊँगा उस टाइम सो व्हेन वी जब हम गए कश्मीर वी के लोग खेल रहे थे फिर हमें पता लगा कि बाबा अभी पहुंचे हैं लैंडेड एनीस वो गाड़ी में आ रहे हैं जहां उनका Uh, रहने की जगह है सबको लाइन में खड़ा किया था कि सब खड़े हुए कि बाबा आ रहे हैं स्वामी आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइन में खड़े हुए कोई घूम नहीं सकता है तो मैं भी खड़ा हुआ था ऐसे uh, लाइन में सो so बाबा जब गाड़ी से निकले ही वॉकिंग सो ही जस्ट एज यूज पासिंग मी स्टॉप्ड एंड ही पैटेड मी मेरे मुंह को उन्हें थोड़ा सा छुआ और स्माइल किया और चले गए एंड वैसा मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ बाबा से मिलने का सो स्वामी वॉज विद हिज़ स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स सो उन्होंने मुझे बोला था कि आप भी इनके साथ ही घूमें और मेरा बातचीत के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो गया था मैं ब्राउ द किड और वो तो कॉलेज uh, के थे तो मैं फिर भी दोस्ती हो गई थी और मुझे वो पैम्पर करते थे कि साथ चलो साथ चलो तो मैं उन्हीं के बस में जाता था बाबा भी उसी उसी बस में होते थे तो जहाँ भी uh, जाते थे मैं उन स्टूडेंट के साथ था स्टूडेंट्स हमेशा बाबा के साथ ही थे और जब पूरा दिन के दर्शन और सब खत्म हो जाते थे तो बाबा अपने कमरे में बैठते थे लिविंग सिटिंग एरिया में और सारे स्टूडेंट्स उनके आसपास बैठते थे तो मैं भी साथ ही बैठता था तो शाम को कभी कभी वो भजन गाते थे तो, सो सो एक बार उन उन बोला नवीन आप भी गाओ तो मैंने समझा उस उम्र में होता ना कि वो भी बड़ा कूल लगेगा कि इंग्लिश का कोई अच्छा सा गाना गा देते हो

दर्शकों को मेरा प्रणाम साई राम मेरी मदर बहुत रिलीजियस थी उन्होंने मेरे फादर को भी बहुत रिलीजियस बना दिया था एंड दे विक्स एंड दे फॉलोड सिखज़म सो ऑब्वियसली वी चिल्ड्रन फॉलोड सिखिज़म उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली में आई दिल्ली डेली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़ने लगी और uh, मेरी अच्छी किस्मत कह लो या मैं उस टाइम अपनी बुरी किस्मत कहती थी कि मेरे पीछे शादी करने के लिए पड़ गए सब लोग और फिर जो मेरे पति हैं वो तो हाथ धो के पीछे पड़ गए और 20-25 दिन के अंदर मेरी शादी हो गई जिस दिन मेरा एग्जाम ख़त्म हुआ अगले दिन मेरी मेहंदी हो गई और मेरी शादी हो गई और मेरे पति कहते थे भगवान है पर किसी एक मूर्ति को नहीं मानते थे किसी एक किसी को नहीं मानते थे पर बहुत अच्छे दिल के आदमी थे और कोई नहीं बता सकता था कि ये मुस्लिम है कि हिंदू है कि पंजाबी हैं कि क्या है पलटन में जहां भी जाना पड़ता था इनको जाते थे अटेंड करते थे बस करके आ जाते थे मुझे लेके जाते थे गुरुद्वारे में मंदिर में पर गाड़ी में बैठे रहते थे मैं अपना मत्था टेक के अपनी पूजा करके आ जाती थी और फिर मुझे घर ले जाते थे तो वैसे मैंने कहा ना बहुत अच्छा इंसान था जगह <laughs> जगह पोस्टिंग हुई और हमारी पूना में पोस्टिंग हुई देहरादून में इनको बहुत बड़ा उदा मिला एकेडमी में और फिर हम लोग मऊ गए मध्य प्रदेश में और मऊ में इनकी अब पोस्टिंग नागालैंड होने लगी तो जैसे फौजियों का होता है इनकी पैकिंग होने लगी हमारी पैकिंग होने लगी मैं बच्चों को लेके दिल्ली आ रही थी एक हफ़्ता पहले आ, हमारे आर्मी कमांडर हैं जनरल मल्होत्रा उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया और कहा कि सब उनको बिली बुलाते थे बिली तुम्हारी पोस्टिंग मैंने कैंसिल करवा दी है और तुमको अब उधमपुर आना पड़ेगा तो हम लोग बहुत खुश के उधमपुर जा रहे कम उधमपुर तो पता ही नहीं था क्या है पर कम से कम ये तो था कि फैमिली स्टेशन में जा रहे हैं तो बिली पहले गए मैं बच्चों के साथ बाद में आई और फिर जनरल साहब की वाइफ ने मुझे बुलाया जब उन्होंने सब सीनियर ऑफिसर की वाइफ्स को बुलाया हुआ था और मैं सबसे जूनियर ऑफिसर की वाइफ थी वहाँ तो उन्होंने बताया कि सत्य साई बाबा विजिट करने आ रहे हैं श्रीनगर और वो उधमपुर आएंगे फिर श्रीनगर जाएंगे तो जब सब निकल गए तो मैंने कहा मैम अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ तो आप मुझे बताइए आई एल बी मोर देन हैप्पी तो दो दिन के बाद उनका एडीसी आया तो मिस मल्होत्रा ने मुझे कहा कि तुमको बाबा का कमरा करना पड़ेगा तो मैंने अपना सारा सामान खोला जो नई नई चीजें थी मैंने निकाली सजाई बड़े प्यार से प्यार से सजाई ये नहीं समझिए कि साई बाबा कोई आ रहे हैं कोई महापुरुष आ रहे हैं ठीक है पर बड़े प्यार से सजाई सब कुछ उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि उनके साथ गेस्ट आ रहे हैं उनका भी अगर तुम थोड़ा देख लो तो, तो मैंने वो भी देख लिया तो बहुत खुश हम लोग तो जनरल मल्होत्रा के साथ मेरे हस्बैंड जम्मू गए साईं बाबा को रिसीव करने जहाँ उनका फ्लाइट लैंड कर रही थी तो सब लोग ने बाबा को साक्षात प्रणाम किया जनरल साहब के साथ और मेरे हस्बैंड ने उनको सल्यूट करा घुचुक के पैर तक नहीं छुए बस सल्यूट करा और आ गए तो ठीक है मैंने कहा तो आए तो फिर उधमपुर में उनकी देखभाल करी मुझसे मिस मल्होत्रा कह देती थी ये कर दो वो कर दो तो जो कहती थी मैं बड़े प्यार से करती थी और खुशी से करती थी मैं ये नहीं करती थी कि क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं ये सो so, जनरल ढूंढ रहे थे गाड़ी के लिए क्योंकि वो आर्मी की कार नहीं यूज़ करना मांगते थे तो मेरे हस्बैंड ने ऑफर करी गाड़ी तो मेरे हस्बैंड ने बोला जनरल साहब को कि नहीं मैं ड्राइव करूंगा गाड़ी कि आर्मी ड्राइवर नहीं ड्राइव कर सकेगा तो जनरल साहब बहुत खुश हुए कहते हाँ ठीक है आप करना तो आ, बाबा आ गए उधमपुर में वहां दो दिन रुके और आ, हम लोग ने सब तैयारी करी उनके लिए और मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो वापस तो खाली आएगी गाड़ी क्योंकि बाबा तो फ्लाई करके जा रहे हैं श्रीनगर से तो आपको तो पता होगा फौजी कैसे बोलता है तो वो कहता है कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ मैं छुट्टी पे नहीं जा रहा मैं तुम लोगों को फिर कभी ले जाऊंगा मन तो ठीक है और अब जब मैं कहती हूँ कि सब बाबा की करी हुई है करामात तो आप लोग नहीं मानते हो पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगले दिन मिसिस मल्होत्रा ने मुझे ए भेजा और मुझे बुलाया और कहा कि इंदू मैं तुम्हारे बिना नहीं वहां संभाल सकती काम तुमको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा तो मैंने कहा ठीक है मैं जरूर चलूंगी आपके साथ तो कहते हैं तुम मेरी गाड़ी में जाओगी और तुम्हारे बच्चे मेरे एडीसी की कार में बैठ के जाएंगे ऐसा वेरी गुड ठीक है जो आप कहते हैं और मेरे हस्बैंड आए तो मैंने कहा ठीक है आप मत लेके जाओ मैं तो जा रही हूं <laughs> तो रास्ते में हम लोग रुकते गए बस रुकती थी जिसमें सब स्टूडेंट्स थे बाकी भी लोग थे बाबा के तो करते कराते रस्ते में जहाँ रुकते थे वहाँ मैंने उनके लिए आ, कुर्सी पे बिछाने के लिए कपड़ा बनाया हुआ था उनके पैरों चरनों के लिए गद्दी बनाई थी कुशन बनाए थे और आ, बड़े प्यार से बना बना के लेके गए थे तो आ, हमारे ऑफिस में इसमें एक आ, आ, गेट टुगेदर हुआ जहाँ साई बाबा को रिस्पेक्ट देने के लिए बुलाया गया था तो मिसेस मल्होत्रा ने मुझे अपने साथ आगे बिठाया और मैं इतनी जूनियर ऑफिसर की वाइफ थी कि मैं तो पीछे बैठती नहीं तो तो बाबा आए मेरे आगे पीछे सबको मिले बड़े प्यार से किसी को नमस्ते कर रहे हैं किसी को मुस्कुरा रहे हैं किसी को विभूति दे रहे हैं और मेरे पास से निकल गए मैंने कहा वाह क्या आदमी है वेरी अनग्रेटफुल यहाँ मेरी उंगलियों में सुइयों के निशान है और मुझे देख के भी नहीं गए बाबा आप मानेंगे वो कोई दस कदम आगे गए होंगे वापस आए मेरे पास मुझे विभूति बना के दी उन्होंने और उस दिन पूरी शाम जहाँ मैं खड़ी होती थी कहाँ से स्वामी आ जाते थे पता नहीं लगता था और मुझे विभूति बना के दे देते दे थे तो फिर मैंने पूछा भाई इनको कैसे बुलाते हैं आप स्वामी कहते हैं बाबा कहते हैं क्या कहते हैं आप इनको तो फिर मुझे बताया गया कैसे इनको प्यार से एड्रेस करना है वगैरह तो हम लोग फिर वहां से श्रीनगर गए श्रीनगर जाके हम लोग ऑफिस मेस में रहे बच्चे वहां थे और मेरे हस्बैंड और मैं जाते थे जनरल साहब के घर में जहाँ स्वामी रुके हुए थे और जैसे मैंने आपको बताया मेरी ड्यूटी लगाई गई मिसेस मल्होत्रा के साथ मैं उनका बेडरूम साफ साफ सफा करती थी सब ठीक करती थी वहाँ मैं खुद झाड़ू लगाती थी पूरा मैं सफ़ा करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था चमकाती थी पर एक बात मैंने ज़रूर करी है मैं देखती थी कि ये कहीं विभूति निकाल रहे हैं कभी कुछ निकाल रहे हैं कभी कुछ निकाल रहे हैं तो उनके कपड़े अलमारी में टंगे हुए थे तो मैंने जाके जरा बाजू देखी कि वहाँ कोई पॉकेट बने हुए क्या बना हुआ कहाँ से निकाल रहे हैं मुझे तो साईं बाबा का कुछ पता नहीं था बिल्कुल नहीं थी मैं और देखा वो तो बाजू बिल्कुल ठीक है और मैंने फिर नोटिस किया कि स्वामी जब मेरे पास होते थे कभी कुछ मटेरियलाइज़ करते थे तो बाजू ऊपर करनी शुरू कर दी थी उन्होंने दिखाने को मुझे बाबा खाना नहीं खाते थे जब तक बेरी बेरी कहाँ है